सो हेलो एवरीवन, मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें बोला था कि पीएसयू बैंक में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, पीएसयू बैंक में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी आ रहा है और ट्रेंड भी अच्छा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे पीएसयू बैंक का पीएसयू इंडेक्स, पीएसयू इंडेक्स अगर अगर हम मंथली चार्ट देखें, ठीक है, तो आप मंथली चार्ट में देखिए ये 2007 के बाद यहाँ पे देखिए कितना लंबा ब्रेक कंसोलिडेशन के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ है 2023 में, 1 जून 2023 को ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए, आप देख सकते हैं कि जो पीएसयू जो सेक्टर है, ठीक है, पीएसयू जो सेक्टर है उसमें 2007 से लेके अभी तक, मतलब 2007 से लेके 2007 से जो ये कंसोलिडेशन हो रहा है, ये फाइनली कब ब्रेकआउट हुआ, 23 में। कितना लंबा साल का मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो इसीलिए पीएसयू बैंक में भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम चल रहा है, काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो आप पीएसयू बैंक में आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा हॉट, पूरा हॉट हो चुका है, हॉट सेक्टर हो चुका है। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, काफ़ी अच्छा मतलब स्टॉक 10-10% ऊपर चल जा रहे हैं, 20-20% ऊपर चल जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम IRFC, आप देख लीजिए IRFC कितना अच्छा स्टॉक है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया, लगभग कैपिटल डबल हो जाता है अगर आप यहाँ पे लेते, तो यहाँ से ये 19% ऊपर हो गया। रेल विकास निगम आप देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम देखिए 230 मिलियन, IRFC में वॉल्यूम देखिए आप 472 मिलियन, अनबिलीवेबल वॉल्यूम है ये सब। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए और भी सेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल NMDC हो गया, इसमें भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया। देखिए आप यहाँ पे देखिए ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ये, तो आप पीएसयू सेक्टर को देख सकते हैं, अभी काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, और जहाँ पर ट्रेंड और वॉल्यूम दोनों रहता है वहाँ पर पैसा बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को पसंद आ रहा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।